वेलकम ऑल। आपने जो 3 दिन का सफर तय किया है और आपने जो HTML में अभी तक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लीन किए हैं और आपने बहुत सारे गिटहब वेबसाइट भी मैंने कल शाम को देखे, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब जो आज का मेन टॉपिक है, अगर आप अपने YouTube के वीडियो के लिंक में देखोगे डिस्क्रिप्शन में, तो हमने ये लिंक आपको दिया हुआ है और हमने आपको को व्हाट्सएप भी किया हुआ है। तो आज हमारा जो जनरल प्रस्पेक्टिव है वो ये है कि हम इन सारे टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे कि ये सारे टूल्स है क्या और हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि आप सबकी जो वेबसाइट है, मैं 2-3 वेबसाइट है जो ओपन करके बताता हूँ, ठीक है। कल हमने जो शेयर किया था, तो आप सब देख रहे हो ये सारी जो वेबसाइट्स हैं इसमें आपने सारे डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट कर दिए। इसमें इन्होंने फोटोज रखे हैं, इसमें इन्होंने अपना टाइमलाइन रखा है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज में ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं। तो जो चीज़ें मैंने 3 दिन में देखी, जो आपकी क्वेरीज आई, उस क्वेरीज के हिसाब से मैंने ये एक पर्टिकुलर विद द हेल्प ऑफ द टीम एक लेआउट रेडी किया है और इसमें एक के बाद एक हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहला लिंक ये है जिसमें आपको सबको बेसिक कन्फ्यूजन बहुत सारा है कि ये HTML टैग्स कैसे काम करेगा, क्या है उसके फंक्शनैलिटीज, क्या है उसके पॉइंट को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो हम पहले टैग्स पे क्लिक करते हैं, यानी सारे टैग आ जाएंगे। तो आपके आपके जो जो टैग है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो सारे टैग इधर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कोई एक एक टैग ले लो। तो आप सबकी सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना लिंक में आई थी कि कोई भी लिंक करने के लिए, यानी इमेज को लिंक करने के लिए, बटन को लिंक करने के लिए, ये सारी दिक्कतें बहुत सारे लोगों ने शेयर की थी। तो उसको कैसे हम देखेंगे, तो ए बटन, ए टैग है उस पर क्लिक करो। अब इसमें आप देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। आप देखो कि आपको कोई एक्सटर्नल लिंक रखनी है पैराग्राफ में तो आप कैसे कोड करोगे और वो कैसे दिखेगा, ठीक है। आपको पेज के अंदर से एक लिंक करनी है रिलेटेड टू पेज ऑन द सेम साइड, ठीक है, तो आप कैसे रखोगे। फिर न्यू टैग, यानी आपको एक नए टैब में अपलोड और ओपन करना है तो आप कैसे करोगे। तो इस तरीके से उन्होंने एक फंडामेंटली बेसिक कवर करना करने का ट्राई किया है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं जो आपको लॉजिक बताएंगे। जैसे हमने देखा था ब्रेक लाइन, तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल के साथ उन्होंने इधर समझाया हुआ है। इसको आप एडिट करके भी चेक कर सकते हो जो आपको इधर नीचे दिखेगा। तो अगर मैं इधर लिखता हूँ Z2M तो इधर आ रहा है, और मैं एंटर दे के लिखता हूँ हाय तो देखो वो कंटिन्यूस है। तो इधर से आप प्रैक्टिस भी ऑनलाइन कर सकते हो। तो जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है और मोबाइल में अच्छे से अगर स्क्रीन को मैनेज करके कर सकते हैं तो आप इधर देख सकते हो। अब मैं सीधा इधर BR ऐड करूँगा तो वो नेक्स्ट ब्रेक में चला जाता है। तो आपका जो प्रैक्टिस पार्ट है वो आप आसानी से ये पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ करके कर सकते हो और डिफरेंट टैग्स को समझ सकते हो। तो ये हो गया आपका जो बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने का वन ऑफ द लर्निंग ऑप्शन। अब हम आगे जाएंगे। आप बहुत सारे CSS पे काम करोगे, आप बहुत सारी चीज़ों पे काम करोगे, तो आपको कलर कोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है इधर कि आपको कलर पहचानना होता है कोई भी पॉइंट से कि मेरे को कौन सा बैकग्राउंड कलर करना है, आप कलर पिक करना चाहते हो। तो मैंने ऑलरेडी इधर रखा हुआ है, देख रहे हो, ओके। सो कलरजिला नाम का ये टूल है, ओके। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा मेरे को ये ऑप्शन आ जाएगा, मैंने यही इंस्टॉल किया हुआ है, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वो कलर के मुझे कोड दे देगा। आप देख रहे हो, सो ये जो कोड है वो मुझे मिलेगा। अब मैं मान के चलो मुझे ये वाला ब्लू कलर पसंद आया और ये मुझे अपने वेबसाइट में रखना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया ये कॉपी कॉपी हो गया। अब मुझे वो कोड है वो इधर पेस्ट करना है, तो ये मेरा कोड हो गया। तो इससे मैं उसको पर्टिकुलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कलर कोड आते हैं ऐसे, आप इधर देखोगे कलर, ठीक है। तो आपको वो ये पूरा एक लॉजिक समझाएगा कि ये आपका जो है वो ये कलर है, ठीक है। सो दिस वे आपको कलर के बारे में जब जानना हो, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट में कलर चेंजेस करना हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरा वेबसाइट है, उस वेबसाइट में
आपको जो अपना एडिटोरियल वेबसाइट है, आपको ये वाला कलर चाहिए, तो आप इधर जाके कलर पिकर में से पिक कलर फ्रॉम पेज, हमने ये कॉपी कर लिया तो हमको ये कलर मिल गया, और उसको ऑनलाइन जाके पेस्ट करो, कलर करके एंटर करो, आपको उसका पूरा कैटेगरी आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप कर सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे होगा, तो HTML एडिटोरियल हमारा थीम था, राइट। मैं अपना वेबसाइट ही खोल लेता हूँ, z2mUser1.github.io/myweb। ये हमने कल अपलोड किया था, ये हमारा एडिटोरियल है। अब हमको देखना है ये ब्लू कलर कैसा लगेगा, तो आप इस पे कैसे लगाओगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो आगे कनेक्ट हो रहा है। अब CSS एंड टाइपोग्राफी है, ठीक है। उससे पहले मैं खाली इनपुट, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट ले लेता हूँ, जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इसमें आप इसको इधर जाके राइट क्लिक करो, इसको राइट क्लिक करते हैं, ओके। तो इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में। इसका शॉर्टकट रहता है कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। तो वो मेरे को इधर एक विंडो राइट राइट साइड में मेरे को ऐसा एक विंडो खोल के दे देगा। अब इस विंडो में आप देख रहे हो कि ये कोड लिखा हुआ है इधर, ठीक है। मैं अगर इस कोड को चेंज करता हूँ विद द रेफरेंस कोड जो मेरे पास है और क्लिक करता हूँ, तो वो कोड चेंज हो जाता है। आप देख रहे हो ब्लू कलर हो गया। अब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ये पूरा चेंज हो गया। अब अगर मुझे मेरे वेबसाइट में ये सारे जो चीज़ें हैं उसको ब्लू करना है, तो मुझे जहाँ जहाँ पे ये ऐसा कोड CSS में है, अब ये कौन से CSS फाइल में है, तो आप इधर क्लिक करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जो है, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, ये कौन से CSS फाइल में है। तो ये 2073 लाइन नंबर पे माई वेब में एसेट्स में CSS में मेन डॉट CSS में ये फाइल है। अगर मैं मेन डॉट CSS में जाके अगर इसको चेंज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे साइट के कलर्स ब्लू कलर हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये फंडामेंटली काम करता है। आओ एक बार हम करके भी बता दें, सो बहुत सारे स्टूडेंट की कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो मैं अभी मेरे Z2M ID पे लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को गिटहब में जाना होगा, मैं साइन इन कर रहा हूँ, ये अभी मेरे को कोड पूछेगा, थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है, मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूँ, ठीक है। उसका मेन CSS फाइल ओपन करके, ऑफलाइन सॉरी। तो ये हमारा माई वेब है, इस माई वेब में हमारा पूरा वेबसाइट है। मैं उसको थोड़ा मैग्नीफाई मोड में रख रहा हूँ, तो आप देख रहे हो इसमें हम जाएंगे एसेट्स में, एसेट्स में हम जाएंगे CSS में, CSS में हम जाएंगे मेन CSS में, ओके। अब ये मेन CSS इसमें ओपन है, तो लाइन वगैरह मिलना हार्ड है। मैं इसको मेन CSS को ओपन विथ विजुअल कोड कर देता हूँ, ओके। मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, आप विजुअल कोड की जगह कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो। चलो वही करते हैं, जिससे आपको भी पता चले कि और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। मैं अभी सबलाइम यूज कर रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा सा सिंपल सॉफ्टवेयर है। तो इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और मेरा ये मेन CSS फाइल ओपन हो गया। अब हमको जो कोड चेंज करना था वो था 2073 पे, तो हम 2073 लाइन पे जाएंगे। ओके, देखो आप 2073 में हेडर करके ऑप्शन है,
अब ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है उसको हमें रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस। और रिप्लेस किस चीज़ से करना है? तो आपको रिप्लेस करना है ये वाले कोड से। तो ये वाला ब्लू कलर है और ये वाला पिंक कलर है, ठीक है? तो मैंने इसको इधर रिप्लेस कर दिया और मैंने इसको कंट्रोल सेव कर दिया। अब मैं इसको मिनिमाइज करके ऑफलाइन वेबसाइट की index.html ओपन कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि ये कलर मेरा ब्लू हो चुका है। सो इस तरीके से आपके वेबसाइट के CSS को एडिट किया जा सकता है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स टूल, ठीक है? सो ये बेसिक फंडामेंटल था कि इंडेक्स टूल कैसे काम करेगा और उसको कैसे आप यूज कर सकते हो। अब हम आगे जाएंगे। तो आपने देखा कि ये लॉजिक आपके क्लियर हो गए। अब हम जाएंगे CSS एंड टाइपोग्राफी में। आपको ये होगा कि आपने जो बेसिक CSS का एनालिसिस किया है उसको हम बहुत सारी जगह यूज करेंगे, तो इसमें हमको खुद बनाना है CSS, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ये वेबसाइट है। तो आप देख सकते हो कि आप इधर जो भी लिखोगे, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूँ हेलो आई एम मेकर फ्रॉम 0 to मेकर, ठीक है? अब जैसे ही मैं इसको बोल्ड करता हूँ, ठीक है, मेरा CSS बनना चालू हो गया। इसका मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? उसको मुझे स्ट्राइक आउट करना है, यानी मैंने इतने फॉन्ट सबको नहीं, इतने को स्ट्राइक करना है। तो देखो ये है ना, ये सब टेक्स्ट डेकोरेशन है कि जहाँ जहाँ आपको ये करना है। और फिर इसको लेके आप L1 में, LI में वगैरह सेट कर सकते हो कि आपके जितने CSS फाइल होंगे उसमें इस तरीके से फॉर्मेट किया होगा। तो जब भी आपको फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, वो सारे फंक्शनैलिटीज आप इधर से डेवलप कर सकते हो, ठीक है? तो ये होगा आपका CSS टाइप सेट जहाँ पे आप CSS जनरेट कर पाओगे और अपने CSS में ऐड कर पाओगे। इसमें टेक्स्ट के स्पेसिंग के लिए डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? आप देख सकते हो वर्ड स्पेसिंग के लिए डिफरेंट ऑप्शन है, अपलाइन डाउन अप का लिए डिफरेंस है, जो कि आपको चाहिए होंगे आपके वेब लेआउट में। तो ये था हमारा थर्ड लिंक। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट हमने देख लिया है। अब ये जो दो ब्लॉग्स हैं, ये दोनों ब्लॉग्स आपको हेल्प करेंगे आपके इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल को अच्छे से समझने के लिए। ये बेसिकली क्रोम का डेवलपमेंट टूल है जिसमें आप देखोगे कि उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है कि ये आप कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा मिनिमाइज करके आपको बता देता हूँ क्योंकि ये वेब पेज आपके एक्सेस में रहेगा। सो आप देख सकते हो कि व्यू चेंज द डोम डीबग जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह जो है उसके ऑप्शंस बताए गए हैं। आपको स्टार्ट कैसे करना है, व्यू कैसे कर सकते हो, कंसोल में क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसको एडिट कैसे करना है, ये सारे हैं। ये इन डेप्थ है। आप इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस, कहाँ से फाइल आ रही है, कैसे डिबग हो रही है, सब देख सकते हो। बट ये डेवलपर लेयर तक का है। जो जो लोग ऑलरेडी ये सब HTML जान चुके हैं और उनको ये नहीं पता है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका सेम वे आपका मोजिला का भी ऐसा टूल है, ठीक है? सो आप मोजिला के टूल्स को भी ऐसे ही एक्सप्लोर कर सकते हो। उन्होंने भी अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, ठीक है? उसमें उन्होंने शॉर्टकट वगैरह सब समझाया हुआ है अच्छे से। आप इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। जब मैं बता देता हूँ, जैसे ये मेरा वेबसाइट है, कंट्रोल शिफ्ट जैसे ही मैं आई क्लिक करूंगा, ठीक है, मेरा इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें अच्छे से समझाई हुई है। तो आप ये लिंक से ये सब समझ सकते हो। जो हमने बेसिक एडिटिंग किया, देख रहे हो ये फॉन्ट वगैरह, CSS का ये सारा फंक्शंस इन लोगों ने भी बताया हुआ है। ओके, सो ये हो गया आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट का बेसिक लेआउट। अब हम आगे जाएंगे। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा था कि हमको एक चैट बॉक्स, चैट टूल बनाना है। अब वो जो चैट टूल बनाना है, वो चैट टूल में क्या होगा कि आपको एक दूसरे से बात करना है और वो जो आप समझोगे वो आपको बेसिक लेआउट में चैट टूल में रखना है। अब वो चैट टूल के लिए कैसा है कि आप देख सकते हो ये TAWAK करके एक टूल है जो आपको अभी हम ले जाएंगे। ये एक डैशबोर्ड की तरह ऑलरेडी प्री डिफाइंड फ्री वर्जन टूल है। अब इस फ्री वर्जन टूल में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे चैट करूंगा। तो हमारा जो एक कलीग है, उन्होंने ये वेबसाइट में इंटीग्रेट करके रखा हुआ है,
तो हम इसको बताएंगे। मैं अभी साइन अप लॉग इन नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बना रहा हूँ और बता रहा हूँ, और आपको एक ट्यूटोरियल दे दूंगा जिससे आप ऐड कर पाओगे। अगर साइन अप कर सकते हो तो साइन अप भी करके बता देंगे। तो अभी हम देखेंगे, हमने एक एग्जाम्पल वेबसाइट इधर बताया हुआ है, महर्षि सोलंकी .github.io। तो ये जो एग्जाम्पल वेबसाइट है उसमें आपको एक कोड डालना रहता है, और आप देख रहे हो हमने github.io ही यूज़ किया हुआ है, हमने और कोई टूल यूज़ नहीं किया हुआ है। तो चलो इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब जो ये वेबसाइट है उन्होंने कोई पर्टिकुलर सिंपल सा टेम्पलेट यूज करके बनाई है। इसमें ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये चैट के लिए ऑप्शन दिया गया है। सो इधर आप इमेजेस को चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत डिजाइन कर सकते हो। हम इस पे क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हो कि हमारा चैट बॉक्स ओपन हो चुका है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ हेलो, तो जो महर्षि है उसके पास इसके डैशबोर्ड का एक्सेस रहता है, तो महर्षि उधर से इसको रिप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से जब आपको अपने वेबसाइट पे, ठीक है, चैट बॉक्स इंटीग्रेट करना है तो आप इस तरीके से चैट बॉक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी मैं उसको पूछूंगा कि लाइक जो भी आपका कोई भी एरर वगैरह है उसको ऐसे एंगेज करना है तो आप कर सकते हो। तो आई विल आस्क लाइक कैन यू हेल्प मी टू फाइंड गुड टेम्पलेट, ठीक है। तो लाइक सी, अब उसको ये मैसेजेस मिल रहे हैं और वो मैसेजेस को रिप्लाई कर रहा है, और ये लाइव टाइम में हो रहा है। ये चैट बोट नहीं है, ये चैट का एक ऑप्शन है जो आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। उसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको साइन अप करना होगा। तो मैं इसको साइन अप कर रहा हूं। देखो अब इसमें जो ऑप्शंस है मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपके डिस्कशन के लिए, मैं इसको बाद में सेटअप करूंगा, आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर करवा दे रहा हूं। इसमें टेक अ टूर करोगे तो आपको समझाएंगे। अब ये जो है ना आपके विजिटर वगैरह का इंडेक्सिंग वगैरह देगा। अब इसमें आप जो ये ऑप्शंस है इसमें आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। होम में चले जाएंगे, डैशबोर्ड में देखेंगे तो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होंगे। अब इसको ऐड करना है तो आप अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग प्रोफाइल डेवलप कर सकते हो, ठीक है। यानी आपके जो भी रिस्पॉन्स देने हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो इजीली इधर से मैनेज हो सकता है। अब हमको एक विडगेट ऐड करना होगा। विडगेट ऐड करने के लिए कहाँ जाएंगे, देखो ये सारे ऑप्शंस हैं, मॉनिटरिंग जहाँ पे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, ये एक्टिव चैट्स हैं, ये रिपोर्टिंग है, ये एड ऑन है। अब सेटिंग्स में जाके ऑप्शन देख लेते हैं, इधर चैट विडगेट करके ऑप्शन है। अब ये जो चैट विडगेट वाला ऑप्शन है इसमें पहले हमको प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा। मैं अभी प्रॉपर्टी में अपना 02 Maker यूजर वाला ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यूआरएल में हम गिटअप वाला यूआरएल जो है वो ऐड करेंगे। तो यूआरएल का मतलब होता है जो आपका वेबसाइट रहता है, ठीक है, ये आपका यूआरएल बोला जाता है। तो हमने इसको ऐड किया, ठीक है। ये हम इधर जाके ये यूआरएल ऐड कर रहे हैं और नेक्स्ट। अब आपको जो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मिलता है वो स्क्रिप्ट आपको अपने वेबसाइट में कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। आपने ये कॉपी किया और आपके जो वेबसाइट है, जैसे कि हमारा माई वेब वेबसाइट है, माई वेब में इंडेक्स है, इंडेक्स में हमको ये कॉपी करना है, पेस्ट करना है, पर कहाँ पे? तो इंडेक्स के अंदर हम इसको सबलाइन में ओपन कर लेंगे। अब ये जो आपका ये कोड है उसके सबसे बॉटम में, यानी मैं इधर बोल रहा हूँ, इधर बॉडी के बाद आप इसको ऐसे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो जब इसको आप ऐसे पेस्ट करोगे तो ये आपका ऑनलाइन स्क्रिप्ट ऐड हो गया है, और फिर उधर से कोई भी मैसेज करेगा तो वो आपको रिस्पॉन्स आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आपका पर्टिकुलर फाइल काम करता है। तो ये हो गया आपका
चैट इंटीग्रेशन। सो आपने चैट बॉक्स कैसे इंटीग्रेट करना है वो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे जाएंगे। अब आगे में क्या है कि हमने ये समझ लिया, तो आप चैट ट्राई करिएगा ये कैसे हो सकता है, बट ये बहुत आसान है, इसमें कोई कम इजी हार्ड नहीं है, तो वो हम डिस्कशन के मोड पे यूज़ कर सकते हैं और इसको डिफरेंट लेयर पे प्लेस भी कर सकते हैं अलग अलग आइकन से। सो आप अपनी थीम के हिसाब से उसको रीडिज़ाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये है डोम एडिटर, ये भी आपका वेब डेवलपमेंट टूल है, जैसा आपने देखा उस टाइप के डिफरेंट वेब डेवलपमेंट के लिए ये यूज़ होता है। इसमें ओपन डेवलपमेंट टूल्स के सारे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपने ये क्रोम में देखा था सेम फंक्शनैलिटीज के साथ उन्होंने समझाया हुआ है। यस, ये बहुत अच्छा टूल है, HTML, CSS एंड JS एडिटर। अब ये जो है ना, इसमें आपको है ना बहुत आसानी से, जब भी आप काम कर रहे होगे बहुत आसानी से, जब एक मिनट मैं क्लिक कर, ओके। सो ये कैसा है ना कि आपको बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट ऑप बता देता है। तो आप इधर तीन ऑप्शन है, आप HTML में जाओगे तो HTML के टूल्स एंड रिसोर्सेज के ऑप्शन बता दे रहा है, ठीक है, टैग लिस्ट, टैग जनरेटर, इमेज टैग, आई फ्रेम क्रिएटर। चलो हम आई फ्रेम क्रिएटर में जाते हैं, तो आई फ्रेम में आपको बोलेगा कि आपको किस URL का आई फ्रेम बनाना है, विड्थ कितना रखना है, रेशियो कितना रखना है, स्क्रॉलिंग रखना है कि नहीं रखना, बॉर्डर रखना है कि नहीं रखना, और वो आई फ्रेम जनरेट करके दे देगा। सेम वे आपका जो CSS है, तो वो CSS को जनरेट करना है आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के CSS के ऑप्शन आते हैं कि आपको टेक्स्ट का शेडो चाहिए, ठीक है, ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट जनरेट करना है, तो उसके लिए आपको आपका ये सारे उनके एग्जाम्पल है। आपको मान के चलो आपको ऐसा टेक्स्ट लिखना है, तो ये उसका CSS आ गया, ठीक है। आप ये CSS को कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट इस पर्टिकुलर वर्जन में देगा। और ये इसके ऑप्शन है कि आपको कुछ चेंज करना हो, राइट लेफ्ट वगैरह, तो आप इधर कर सकते हो। आपको कलर चेंज करना हो तो कलर के लिए आप दूसरे ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से उधर CSS के ऑप्शन भी है और जावा स्क्रिप्ट के भी ऑप्शन इधर उन्होंने दिए गए हैं, ठीक है। अब हर एक चीज़ का उन्होंने चिट शीट भी रखा हुआ है, आप HTML में जाओगे उसके चिट शीट पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो आप उसके चिट शीट तक चले जाते हो कि भाई डिव सेक्शन है तो इसमें क्या होगा, हेडिंग में क्या होगा, टैग्स कितने कितने हैं, तो ये सारे ऑप्शन उन्होंने अच्छे से बताए हुए हैं एक अलग लाइक सेक्शन बना बना के, ठीक है। सो हेड टैग है तो हेड टैग में कितना आएगा, तो हेड टैग में इतना सारा चीज़ आता है, ठीक है, ये आपको है ना SEO के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज आप ये पर्टिकुलर वेबसाइट से एक्सप्लोर कर पाओगे। अब आपको जो पर्टिकुलर CSS में एक दो कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि CSS में भी है ना तीन बेसिक टाइप के CSS है, तो उसका फंडामेंटल क्लियर करने के लिए ये वाला जो पर्टिकुलर लिंक है इसको आप एक्सेस करोगे, तो इसमें वो समझाएगा कि इनलाइन, एक्सटर्नल और फाइल, ये CSS कैसे काम करते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इसमें आपका जो इनलाइन CSS होता है वो कैसा होता है कि स्टाइल शीट टाइप करके ऐड किया जाता है, ठीक है, ओके। फिर आपका जो एक्सटर्नल होता है वो एक्सटर्नली लिंक होके आता है, डायरेक्ट वेबसाइट से, या जैसे बूटस्ट्रैप के हम कनेक्ट कर रहे थे उस टाइप के, ठीक है। और इंटरनल होता है जिसमें आप एक पूरा सेटअप लिख के वो ऐड कर देते हो। सो ये आप बेसिकली थोड़ा पढ़ के समझ लो, अगर कहीं, क्योंकि आप CSS जब एडिट करोगे तो आप अपनी फाइल में किस तरीके से ऐड करोगे वो आप इधर से बेसिक लेयर पे समझ पाओगे कि आपको स्टाइल डॉट CSS बना के ऐड करना है, या फिर छोटा ही है तो आप अपने पेज पे ऐड कर सकते हो, तो वो आप इधर से रेफरेंस लेके एक्सप्लोर कर लेना आगे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अब इधर मैं आपको बताऊंगा, देखो आप, मैंने सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज किया इधर, ठीक है, तो ये ओपन सोर्स नहीं है, बट आप इसको अनरजिस्टर्ड वर्जन भी यूज कर सकते हो, हर बार पूछेगा परचेज, आप कैंसिल करके यूज कर सकते हो। तो इधर टेक्स्ट एडिटिंग भी इतना ही इजी है, और इसमें भी जब आप HTML को ऐड करते हो तो इसमें भी ऑप्शन है, जैसे मैं बॉडी में इधर सेंटर करके टैप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये भी ऑटो कंप्लीट मोड आता है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, तो जैसे मैं इधर सेंटर है टैप कर रहा हूँ तो ये ऑटो कंप्लीट मोड इसमें भी आता है, और ये थोड़ा लाइट वेट भी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये भी आप VS कोड की तरह आसानी से यूज़ कर पाओगे और
ये एक तरीके से फ्री ही है, और उसका जो लिंक है वो हमने इधर आपको दिया गया है, इसमें आपको हमने आपको लिंक दिया है सबलाइम टेक्स्ट 3। आप ये वेबसाइट पे जाके डाउनलोड ऑप्शन में आप अपने ब्राउजर के ऑप्शन के हिसाब से उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो ये आपका एक टेक्स्ट एडिटर है जो आप यूज़ करोगे। अब आगे जाते हैं, तो आपका जो, हाँ, आप बहुत सारी जगह पे अपना डेटा प्रेजेंट करोगे। डेटा यानी आपका टेबल होगा, टेबल का सर्च इंजिन बेस्ड ऑप्शन बताना होगा, तो ये सारी चीज़ें आप बनाओगे, उसको काम करोगे। मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो हमने गिटहब पे किया था। तो इधर हमने क्या किया था, एक सर्च इंजिन बनाया था। तो ये सर्च इंजिन ऐसा था कि मैं अगर इधर अल्ट्रासोनिक लिखता हूँ तो मुझे ये अल्ट्रासोनिक सर्च करके दे देगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरे को, मैंने कोड ऐसे किया था कि वो मुझे गूगल करके दे देगा। सो इस तरीके से हमने एक सर्च इंजिन बनाया था। अगर मैं रोबोट लिखता हूँ तो इधर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे उस हिसाब से वो सर्च करके दे देगा। तो ये जो हमने बनाया था उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन दिए थे, ये टोटल एंट्रीज हैं 47, उसमें से ये आता था। अब इसी चीज़ को आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, और ये गिटअप पे आप देख सकते हो, ये पूरा हमने गिटअप पे रखा हुआ है। ये हमने ATL के इक्विपमेंट को शॉर्टिंग करने के लिए स्कूल के लिए बनाया था। अभी तो ये यूज़ नहीं हो रहा है, ये बहुत ओल्ड है, 2 साल पहले हमने वर्क किया था इस पे, अभी उससे अच्छे टूल अभी हम डेवलप कर रहे हैं। अब आपका ये गिटहब पे आप ऐसा डेटा टेबल और छोटा सा सर्च इंजिन बना सकते हो अपने चीज़ों को लिंक करने के लिए। ये देखो, ये सारे मैंने बटन्स को लिंक किया हुआ है, तो ये जावास्क्रिप्ट से किया हुआ है, बट वो भी मैं हम आपको सिखाएंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो। ये हमारे बेसिक सर्च इंजिन का एक फॉर्मेट है, उसको हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा डेटा टेबल्स में। तो ये जो आपका jQuery डेटा टेबल्स वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, वो jQuery डेटा टेबल में आप क्लिक कीजिए। आप इधर देखोगे तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, बहुत सारे। अब उस ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो आपको समझना पड़ेगा। तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है, जैसे आप इधर देख सकते हो, मैं इधर सर्च करता हूँ सेल्स, ठीक है, तो जितने भी सेल्स के रिलेटेड होंगे वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए। तो ये एक फंक्शनैलिटी रहती है, उसमें आप उसके एक्स्ट्रा डेटा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर वो क्लिक करेगा तो वो एक्स्ट्रा डेटा उसका आपको मिल जाएगा। तो ये सारे टेम्पलेट्स आपको जब भी यूज़ करने हैं, तो इधर उन्होंने बताया हुआ है कि आपको अगर ऐसा करना है तो आप CSS यूज़ कर सकते हो सीधा, और JS ऐड कर लो, फिर आपका ये इंटरेक्टिव टेबल हो जाएगा। और आपको अच्छे से गाइड चाहिए तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी इधर समझाया हुआ है। आपको सीधे एग्जाम्पल चाहिए तो आप सीधा HTML पे आ जाओ, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के साथ वो समझाएंगे कि आपको कैसे उसको इंटीग्रेट करना है। तो उस तरीके के टेबल्स को लगाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, और आसानी से एक सर्चेबल काइंड ऑफ डेवलप कर सकते हो। अब आगे जाएंगे कोड ड्रॉप। अब देखो, ये बहुत सारे ऐसे टूल होंगे जहाँ पे आपने अच्छे से एनिमेशन को वगैरह देखा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो आप देखो, ये मल्टी लेवल मेनू करके एक ऑप्शन है, आप इस पे जाओगे तो ये आपको एक HTML CSS के साथ डेमो एंड डाउनलोड सोर्स देगा। ये फ्री ऑफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। पहले हम डेमो देख लेते हैं। अब ये जो डेमो में आप देख रहे हो, अब मेरे को वेजिटेबल, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो उसको आगे की कैटेगरीज बताएगा, स्टॉक वेजिटेबल्स, तो स्टॉक वेजिटेबल्स के सारे फोटोज इधर आ गए, ठीक है। सो इस तरीके से हो गया रूट सीट, तो उसके रूट सीट के सारे फोटोज आ गए। तो इस तरीके से आप इसका, ये एक लेआउटिंग है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है जो आपको फंडामेंटली जब भी आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है कर सकते हो, हम 3 4 आज देखेंगे। तो ये दूसरा वाला है, ठीक है, तो इसमें पेज स्टैक नेविगेशन है कि आपको पेज को जब स्टैक करना हो तो आप कैसे, होम है तो होम बटन, ठीक है, फिर इधर से मैनुअल है तो मैनुअल्स पे, तो इस तरीके से आप पेजेस को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक के बाद एक ऐसे उन्होंने फंडामेंटल बताए हुए हैं। हम बैक चले जाते हैं।
और दूसरे दो तीन हैं वो एक्सप्लोर करते हैं बटन्स वगैरह के लिए। देख रहे हो आप, अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन उन्होंने बताए हुए हैं। जैसे ये वर्टिकल टाइमलाइन है, तो ये वर्टिकल टाइमलाइन जो है उसमें हम डेमो में जाते हैं। तो उन्होंने एक, ये पूरा HTML है, ठीक है। सो उसमें आपने देख सकते हो कि डेट डाला है, टाइम डाला है, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाला है, और उस तरीके से उन्होंने पूरा टाइमलाइन बनाया हुआ है। तो जब भी आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टाइमलाइन या ऐसा कुछ शोकेस करना है, जैसे रेहान ने किया था, ठीक है, रेहान ने इधर देखो अपना टाइमलाइन शोकेस किया है, तो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये आपको आगे काम लग सकता है। फिर ये मेनू है, हॉरिजॉन्टल स्लाइड आउट मेनू, तो वो ओपन होगा, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। सो ये, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ग्रिड लेआउट। तो अगर आपको प्रोडक्ट को लेआउट करना है ऐसे कोई भी, तो आप ऐसी ग्रिड बना सकते हो। ये इमेजेस को ट्विस्ट करेगा, आप साइजिंग वगैरह सिलेक्ट करके उसको ऑर्डर करने के लिए जो लेआउट बनाते हो वो वाला है। अब ये टूल टिप मेनू है। अब ये आप नीचे देख रख सकते हो कि ये मेनू ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये मेनू आपके बॉटम में इस तरीके से ऐड हो जाएंगे और आप उसको बॉटम स्टिक बना सकते हो। अब इसमें जब आप क्लिक करोगे तो वो शिफ्ट हो रहा है। ये एक फॉर्म है, ये एनिमेटेड हेडर है, ये फिक्स्ड है। मैं आपको बटन्स बताने का, बटन्स के लिए सर्च कर रहा हूँ। ये रिस्पॉन्सिव आइकन्स है, जैसे आप क्लिक करोगे वो कलर चेंज करके रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर वेबसाइट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। तो इसमें से आपको अगर कोई टेम्पलेट पर्टिकुलर अपने वेबसाइट के लिए यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप इस तरीके से इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सप्लोर करो और देखो कि आपको उसमें से कौन सा इफेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा आपको यूज़ करना है, वो आप डिफाइन करके इसके CSS को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें इतने सारे टेम्पलेट्स हैं कि आज अभी सारे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हमने जो प्योर CSS करके था, जो फर्स्ट डे पे देखा था, वो एक CSS ऑप्शन है। तो CSS में कैसा होता है, जैसे हमने बूटस्ट्रैप देखा था, वैसे इसके CSS, यानी ऐसे आप, हमने जो देखा ना कि लिंक हो जाता है सारा स्टाइल बटन वगैरह, और जैसे ही आप क्लास उसके लिखते हो, उसके CDN को यूज करते हो, तो वो CDN के हिसाब से, तो देखो अ क्लास प्योर बटन, तो वो प्योर, तो इधर उन्होंने प्योर को आगे रख के बाकी का सब लिखने का ऐड किया है। आप जो भी CSS देखोगे तो बटन सक्सेस यानी ग्रीन करके कुछ ऑप्शन होगा, फिर प्योर बटन, तो उस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। आप ऐसे CSS को यूज करके भी स्क्रैच से अपना वेबसाइट बना सकते हो। और एक ऐसा बढ़िया CSS है जिसका नाम है मटेरियलाइज। तो ये बहुत सिंपल सा है, आप देख सकते हो कि उन्होंने, और बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी स्टार्टिंग के लिए आपको स्टाइल शीट ऐड करना होता है, या ये CDN का ऑप्शन है वो आपको ऐड करना होता है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट थीम्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये लोगों ने जो साइट बनाया है वो है, हम थीम्स में जाके उसको ज़्यादा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, पर इसमें बहुत सारे थीम होंगे जो परचेजिंग होंगे, बट अगर आप उसको खुद बना के यूज़ करना चाहते हो तो सीधे CSS को कनेक्ट करके कर सकते हो। अब उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इधर बताए गए हैं। तो आप बैजेस है, तो डिफरेंट डिफरेंट ये आप देख सकते हो, ये बैजेस बनाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। आप मेनू में इंटीग्रेट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बटन्स हैं, तो ये सारे डिफरेंट बटन्स हैं, तो इसमें आप आइकन ऐड कर सकते हो। तो देख रहे हो कि आई क्लास मटेरियल आइकन, लेफ्ट क्लाउड वाला आइकन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो डिफरेंट ऑप्शन है वो ज़्यादा होते हैं इसमें, और उसको आप स्मॉल साइज बिग साइज कनेक्ट कर सकते हो। अब ये हमारा बेसिक फंडामेंटल हो गया।
आगे बढ़ते हैं कि आपको अब एक्सप्लोर करना होगा कि जनरली आपका मेन जो पैरामीटर है ना, ये सारे सारे डिफरेंट टूल्स हैं, यूज कैसे करना है वो टोटली आप पे डिपेंड रहता है। बट आपका जो गिटहब वाला जो पर्टिकुलर यूजेज है वही आपको ऑप्शन देगा कि आपको कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और वो सारे कोड ऑनलाइन रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ये रिहान, ये अपूर्व ने वेबसाइट बनाया है, अब मुझे देखना है कि इसमें क्या कोड है, उसने क्या गलती की है, या फिर उसने मल्टीपल टाइम कुछ एडिट किया है या नहीं है, उसने कहाँ कहाँ चेंजेस किए। तो वो जैसा आपने अगर ओपन सोर्स रखा होगा, यानी मैंने जैसे बताया था पब्लिक रखा होगा, ठीक है, तो पब्लिक रखने पर मैं उसके कोड को देख पाऊंगा और मैं उसको सर्च कर पाऊंगा। तो मैंने अभी ये सर्च किया, तो मुझे अपूर्वा का जो रेपोजिटरी है वो मिलना चाहिए। अब मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं 1 मिनट, ये HTTPS और ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सर्च करते हैं, तो आप देख रहे हो कि मेरे को उसका रेपोजिटरी मिल गया, उन्होंने 14 आवर्स से पहले कोड ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं देख सकता हूँ कि उनके कोड में क्या है, तो उनके कोड में उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो मैं समझ सकता हूँ। अगर इधर कुछ एरर है तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। तो जब भी अब आप गिटअप पे आप अपनी वेबसाइट को रख दो, भले उसमें गलतियाँ है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप गिटअप पे कॉपी पेस्ट करते करते बहुत सारी गलतियाँ करोगे भी और सीखोगे भी, तो उसी से हमको पता चलेगा कि आपने क्या क्या चेंजेस किए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो उन्होंने 14 आवर से पहले जो कोई चेंज किए होंगे वो मेरे को पता चलेंगे। तो 14 आवर से पहले उन्होंने Parallax 3 को डिलीट करके 2 रखा था, तो ये उन्होंने चेंजेस किए। सेम वे आपके सारे चेंजेस मैं देख सकता हूँ, तो अगर आपने कहीं गलती किया है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको गाइड कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप अब सब लोग अपनी वेबसाइट एटलीस्ट गिटहब पे बनाएं। अब जो दो तीन बेसिक एरर आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एरर में बेसिक एरर ये होते हैं कि आप ये जो यूजर नेम है ना, जैसे APURV005 है, तो इधर भी APURV005 होना चाहिए। इधर खाली अपूर्व लिखोगे तो गिटहब ओपन नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा एरर सब लोग करेंगे। सो अगर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो आप इसको प्रॉपरली चेक कर लो, और ये जो आज के सारे टूल्स है जैसे चैट इंटीग्रेशन वगैरह, उसको ट्राई आउट करो। अगर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम व्हाट्सएप हेल्पलाइन से मदद करेंगे। हमारा जनरली व्हाट्सएप हेल्पलाइन रात को 8 बजे के बाद बंद हो जाता है, अगर हम अवेलेबल हैं तो रिप्लाई करते हैं, वरना मॉर्निंग 8 से लेके शाम को 8 बजे तक हम ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं और आपको रिप्लाई करते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो, हमने उसी नंबर को सेव किया है जिन लोगों ने अपने गूगल फॉर्म में फिल किया था, तो बाकी के नंबर हमने सेव नहीं किए हैं। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो आप इस नंबर पे रिक्वेस्ट करो कि आपने रजिस्टर किया था और आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहे, प्लीज़ नंबर सेव कर लो, तो हम वो नंबर को सेव करके ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे, तो आपको भी ब्रॉडकास्ट मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। हम हर बार ब्रॉडकास्ट करते हैं, जैसे सेशन से पहले भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो सारे मैसेजेस हैं ये सारे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं, तो ये सारी अपडेट्स सबको जाती है, तो आपको भी फिर डायरेक्ट रिसीव करने को मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आपको अब ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है। हाँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फाइनल वेबसाइट है जो आपको सबमिट करना है, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो आपको 14 जून रात को 10 बजे से पहले सबमिट करना होगा। आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेंगे। तो आपको 14 जून से पहले आपका कोई भी github.io वाला एक स्ट्रक्चर्ड अच्छे से दिखने वाला वेबसाइट आपको बनाना होगा, और उसका ये वाला लिंक सबमिट करना होगा। वो लिंक कहाँ कैसे सबमिट करना है वो डिटेल आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप अपना ऐसा वेबसाइट बनाओ, एक्सप्लोर करो, अपने बारे में ऐड करो, रिज्यूमे कनेक्ट करो, और फिर धीरे धीरे उसमें अपना कंटेंट ऐड करते जाओ। आपका जो क्वालिफाइंग पॉइंट है सर्टिफिकेट के लिए वो इतना ही है कि आपका github.io वेबसाइट होना चाहिए, एक अच्छा सा टेम्पलेट होना चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, यानी कि लॉरम इप्सम वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, वही रखो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत सारी अभी मैंने वेबसाइट्स देखी, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाई हैं। प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड करना, यूज़ करना और दूसरे लोगों को सिखाना। आगे अभी बहुत सारे ऐसे और अपॉर्चुनिटीज आएंगे जो हम आपको शेयर करेंगे, पर उसके लिए आपका गिटहब सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कोडिंग की एंट्री के लिए बेस है।
तो इसीलिए हम HTML को टूल यूज करके आप सबको गिटअप सिखाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, लेट्स मीट अगेन टुमारो, एंड इफ यू हैव डाउट, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमको कल या आज व्हाट्सएप पे मैसेज करो। हम ये 2 दिन फुल्ली अवेलेबल होके आपको सिखाएंगे। संडे को हम छुट्टी रखेंगे, सो संडे को हम कोई क्वेरीज नहीं लेंगे, मंडे से वापस हम क्वेरीज लेंगे। थैंक यू सो मच। आप